गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज सोफी परमार। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आप लोग पहले से देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। एंड या सुबह का टाइम हो चुका है, मैं उठ चुकी हूँ और मैं फ्रेश भी हो चुकी हूँ, पर मुझे और नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। रीज़न ये कि मैं रात भर सोती नहीं हूँ और तीन तीन चार चार बजे तक मैं जागते रहती हूँ और मुझे दिन भर नींद आती है। सो मैं आपको अपडेट दे दूँ कि हमारी लग गई है वाट, हमारी मतलब मेरी, पहले तो मेरी लगी, दो दिन हो गया कि मेरे पैर में मुझे बेल्ट बांध के रखना पड़ता है, सोने के टाइम पे मैं निकाल देती हूँ तो मैं अभी नहीं पहनी हूँ। एक्चुअली क्या हो गया था, लास्ट मंडे मेरा लेग्स जैसे लाइट ना कम ज़्यादा हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एंड मेरा लास्ट मंडे मेरा वर्कआउट था लेग्स का, एंड मैंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया था। प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने अपना पैर ना जो ऐसा रखना चाहिए था मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दी थी, जो मुझे नहीं करना था, मेरी गलती थी और मेरी गलती की वजह से ही मुझे भुगतना पड़ रहा है। सो लास्ट मंडे तो मुझे इतना प्रॉब्लम फील नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 मेरे नी में पेन आना शुरू हुआ और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, एंड इतना कि मुझे फिर वो डॉक्टर को दिखाना पड़ा। एंड डॉक्टर ने कहा कि मुझे अब नी बेल्ट पहनना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स, अगर मेरा बेल्ट से भी और मेडिसिन से अगर 2 वीक्स में ठीक नहीं हुआ तो मुझे MRI कराना पड़ेगा। लॉर्ड, तो ऐसी थोड़ी सी बैंड बजी है। एंड एक और चीज़ है जो कल रात में मेरे साथ हुआ, क्या हुआ, थोड़ा इधर आएंगे फिर चले गए भाग के, इनको पता, आपको पता था ना आपके ऊपर आएगा। उस बारे में बात नहीं करेंगे। नो उस बारे में बात क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, उस बारे में बात नहीं, बिल्कुल करेंगे। दरअसल क्या हुआ, मैं आई जिम से और मैंने इनको जिम से ही कॉल कर दी, निम्मी मुझे लेट हो रहा है, मेरा खाना रेडी कर देना। तो क्या हो गया, इनकी जो शक्ल देख रहे हो ना आप, इतनी मासूम सी, इनको मैंने कहा था कि मुझे स्पून चाहिए था, फॉक चाहिए था खाने के लिए, चम्मच लेने के लिए गए और मुझे बोले हाँ लता हूँ, और धड़ से वो होता ना दीवार, उससे टकरा गए, मतलब हो जाता है, लग जाती है दीवार, पता नहीं कहाँ बीच में आ गई एकदम से, आप दीवार में घुसे जाके वो बीच में आ गई, मैं तो रोज वहीं से ही जाता हूँ। दीवार इनके नाक पे इतने जोर से पड़ी है कि क्या ही बताए, अब देखो दिखेगा क्या, नहीं पता, ये यहाँ ना ये पूरा ऐसा हो गया और यहाँ ना पूरी सूजन आ गई। पहले तो मैंने बहुत केयर की जब इनको लगा, लेकिन विद इन अ मिनट मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं इनको लाड़ भी किए जा रही और हंसे जा रही थी मैं। बात है, किसी के लगने का मजाक नहीं उड़ा, निम्मी ये चीज आप करते हो मेरे मैं साथ, मैं कर सकता हूँ क्योंकि आपके साथ तो नॉर्मल है, वो आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल में फिट होता है, मेरे साथ तो पहली बार नॉर्मल लाइफस्टाइल में फिट होते हैं, ऐसा किसी को भी लगना ना नॉर्मल नहीं होता, पैर में ना आखिरी वाली उंगली में कभी पलंग का कोना लगा है क्या, तो नॉर्मल नहीं होता, पूरे आत्मा यहाँ जबान के ऊपर से बोलती है टाटा। तो ये सब हुआ, एंड या अब मैं बाकी की चीजें भी करती हूँ, पहले गरम पानी पी लो। थैंक यू सो मच। अरे कब से ला के रखे आपने, बहुत देर हो गई, अभी देखो गरम पानी ठंडा हो गया, अब उससे आप नहा सकती होगी, गरम है गरम, नहा तो सकती हूँ तो इसी से नहा लो। मैं नहा लेती हूँ, पहले ये गरम पानी पी लूँ। 1 hour later सो मैं हो गई नहा धो के रेडी। हाँ मैंने बाल वॉश नहीं की, मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी बाल वॉश करने का, और अगर मुझे लगा तो मैं पार्लर में जाके हेयर वॉश करा लूँगी, पर मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि ना फिर घर में बाल धो फिर उसे ड्राई करो और ये सब ना बहुत हालत ख़राब हो जाती है यार, मतलब मुझे बाल सुखाना और उसको सेट करने में मेरी हालत ख़राब हो जाती, तो इसमें मेरा मन नहीं कर रहा था, इतना थकने का मन बिल्कुल नहीं है, इतनी ज़्यादा धूप है आज,
देखने का कैसा तो लग रहा है मुझे पर मैं इधर बैठ जाती हूँ कभी कभी, बहुत कभी, जब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा गर्म हवाएं थोड़ी लग जाए, क्योंकि यहाँ तो ये घर में तो धूप भी मुश्किल से आ जाए वही बहुत है। और मैंगो बेरी को निमेश ने खाना दे दिया था, अब निमेश मेरा खाना रेडी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ खाना रेडी हो रहा है, एक मिनट दिखाती हूँ। मतलब देख रहे हो हमारा चलना फिरना मुश्किल है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे एक ही नी पर लगा है। और ऐसा आज सुबह जब मैं उठी थी ना, तो मुझे ना क्रैम्प आ गया दूसरे पैर पे, तो मैं दोनों पैर से ना ऐसे पेंगुइन जैसे चल रही थी, मेरे को इतना अजीब लग रहा था। मैंने यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे बैंड बजी पड़ी है। मुझे ना आप लोग को एक चीज दिखानी थी, जो कि हम लोग अः 26 जनवरी के दिन में जो हम लोग बात कर रहे थे खाने की, हमारे पास लिस्ट है एंड ऑल, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये ऐसी लिस्ट बनी हुई है, ये हिंदी में लिखा है मैंने ताकि मम्मी को समझे। लंच है और ये डिनर है। हाँ, ये दिन का खाना है और ये रात का खाना है, क्या क्या खाएंगे। मम्मी ऐसे ना को पूछे ना, बहुत इनको जो रोज पूछते रहा है जो कि पूछते हैं ना कि क्या, सबके घर में होता है आज क्या खाएंगे, आज क्या खाएंगे, आज क्या खाना है, आज क्या खाना है, तो वो खत्म ही हो गया। हाँ, सिर्फ संडे के दिन रहता है जो स्पेशल कुछ बनेगा, तो वो डिसाइड उस दिन भी पूछते हैं कि क्या पर मैं बना लेता हूँ उस दिन खुद ही कुछ ना कुछ आजकल तो तो मोस्टली। ये है ताकि मम्मी को पूछना ना पड़े कि बेटा क्या सब्जी लेकर आने, क्योंकि मम्मी सुबह सुबह वॉक पे जाते हैं, तो मम्मी अपना सब्जी वगैरह वहीं से लेकर आते हैं। सुबह सुबह मम्मी जहाँ से लाते हैं ना, वहाँ पे इतनी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिलती है। नासिक की सब्जी आती है वो, नासिक की सब्जी आती है मम्मी? ऐसा बोलते हाँ हैं। होते हैं, अब पता नहीं अब आती कि नहीं आती, पर यहाँ ओ अब मम्मी बना रही है रोटी। और आपका भी हो गया है लंच, रेडी हो गया मेरा सैलेड, रेडी हो गया। दिखा दो शक्ल। उसकी क्या शक्ल दिखाना, उसको देख के मेरी शक्ल देखने लायक नहीं रहती। तो ये है मेरा खाना, सैलेड है, इसी और में चिकन के पीसेस उसमें भी है, हाँ बॉयल चिकन है, बॉयल चिकन विदाउट सॉल्ट, बस ऐसे ही खाना है बस। हल्दी, नमक, मिर्ची, कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे जो मैंगो बेरी जो खाना खाते हैं ना, बस वही वाला चिकन है, यही चिकन बनाती हूँ ना। तो मेरे बच्चे ना आके मेरे पास बैठे थे, मम्मा हमारा खाना क्यों खा रही है तो ये अभी रेडी करके दे रहे हैं। देखिए ऐसे ऐसे मुझे करके मिलता है, मम्मी देखो कि रोटी बना रही है जवारी की, और निमेश मेरा खाना। मैं बैठू, हाँ बैठो। थोड़ा उसको गर्म है क्या चिकन? बहुत हाँ थोड़ा गर्म किया है। ओके। ये रहा मेरा सैलेड और चिकन, बॉइल्ड चिकन एंड राइस। राइस डालना मैं भूल गई थी, वही मैं आपको बता रही थी कि राइस भी है इसमें। और ये बस अब चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो। अंदर ही नहीं जाता है। इतना मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये बॉइल्ड चिकन सैलेड एंड राइस। मतलब राइस मुझे सिर्फ दिन के टाइम पे, रात में मैं राइस नहीं खा सकती, तो सिर्फ बॉइल्ड चिकन एंड सैलेड, वो भी चबाते रहो ऐसा लग ना बकरी बस। लेकिन ना ऐसा खाने की हमें आदत नहीं है, क्योंकि कैसा ना हमें मसाला, हल्दी, नमक, मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब मसाले वसाले एकदम भून भान के खाने की आदत है, और अभी एकदम उबला उबला खा रहे हैं, तो वो ना कैसे ना अजीब सा लगता है, एकदम जहर है, कतई जहर। आप भी खा लो, मैं खाना खाने ही जा रहा हूँ, आप मेरा खा एंजॉय करो लो, आपका बॉन एपेटीट। खा लो मैं नहीं खा रहा, थोड़ा सा खा लो। इतना पौष्टिक खाना खा के मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा सीधे मैं तो नहीं गई वो आपके लिए, आपको जरूरत है मतलब मुझे पहुंचने जरूर। की हाँ नहीं, खाना खाने की जरूरत है आपको, ऐसा जरूरत, मुझे खाओ अच्छे खाने की जरूरत है। मैं इतना मेहनत से आपके लिए सारी चीजें काट के देता हूँ, इंजॉय करो उसको, खाओ,
टेस्ट लो उसका। कर रहे हैं। हाँ ऐसे ये बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। अभी मैं खाना भी खा लूंगा और मैं अपना काम भी स्टार्ट कर दूंगा, तब भी ये चबाती रहेगी यहाँ पे ऐसे। ये खाना खत्म होने में 1 घंटा लगेगा आराम से, या फिर रात भी हो सकती तो फिर रात में ही मिलो सबसे। सूफी खाना खा के सो गई। एक्चुअली खाना खाने के बाद उसने मेडिसिन्स ली, और मेडिसिन्स इतने हैवी हैं कि खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है। और जो हिंज ब्रेस था उसके नी पे लगाने के लिए, वो भी नहीं लगाया अभी। सो इधर ही सो रही है एक्चुअली। और आप देखो आप कैसे सोते हैं। मैं बेरी और सोफी इतने प्यार से सोते हैं ना, देखकर इतना अच्छा लगता है। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। ये देखो दोनों सो रहे हैं यहाँ पे। ये बेरी भी ना पूरा घुस के सोता है अंदर। इतनी जम के नींद आई सोफी को कि ब्लॉग वगैरह सब छोड़ दिया। मैं सोचा मैं थोड़ा सा अपडेट दिखा देता हूँ। अभी जब वो उठेगी और फिर जिम के लिए रेडी होती है, तब मैं वो नी का बेल्ट जो ब्रेस है वो पहनाता हूँ, और फिर शाम में ही मिलता है। मैं अभी थोड़ा काम कर लेता हूँ। 2 hours later मैं करूँ थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। आधा वर्कआउट यही हो जाता है मेरा। Two hours later ऑल राइट, तो मैं जिम से आ गई, मेरा वर्कआउट हो गया एंड मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे और कुछ दिखा पाऊँगी। मतलब पूरी ज़िंदगी मेरी जहन्नुम बन चुकी है, आप लोग समझ सकते हैं। इस तरह से खाना खाना मतलब आपका मूड भी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होता है। हमारा जो इंडियन फूड होता है वो काफ़ी मसाले वाला होता है, और तेल नमक मिर्ची ये सब खाने की हमें आदत होती है, एंड सडनली हम सब कुछ बंद करके अगर हम इस तरह से उबला और कच्चा खाना खाएंगे तो थोड़ा सा टाइम हमको यानी एडजस्ट होने में लगता है, पेट गड़बड़ होता है, बहुत कुछ होता है। एक तो पैर में प्रॉब्लम है, ऊपर से खाना इस तरह से, पेट गड़बड़, मतलब बहुत कुछ चल रहा है। तो शायद ये व्लॉग इतना एक्टिव नहीं रहा है क्योंकि मैं नहीं रही हूँ इतनी ज़्यादा एक्टिव। अभी जिम से मैं थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा डाउन लग रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स अभी वर्कआउट कर रही हूँ, क्योंकि वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बॉडी को परफेक्ट शेप में लाने के लिए। बहुत सारे लोगों का मिथ होता है, मोस्टली लेडीज़ का, कि वो वेट लिफ्टिंग करेगी तो वो मेंस की तरह बल्कि एंड ये हो जाएगी, मस्कुलर हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैं भी कर रही हूँ तो मैं इस चीज़ के ऊपर काफ़ी स्टडी की हूँ, तो मुझे अब काफ़ी चीज़ें समझ आ रही हैं। मेरे ट्रेनर भी बहुत अच्छे हैं जो मुझे चीज़ें समझाते हैं, एक एक वर्कआउट का डिटेल भी मुझे बताते हैं। तो कैसा हो रहा है मेरा, अपने आप को मैं पुश कर रही हूँ, लेग्स के अभी वर्कआउट नहीं कर रही हूँ मैं, या मुझे ख़त्म करना है, मैं बहुत बोल रही हूँ, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। सो अगर किसी भी रीज़न से अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है, मेरी रो मत, अगर किसी भी रो मत, यही हूँ मैं, यही हूँ, रोना नहीं। अगर किस चुप चुप क्या हो बेटे, जब पापा पहुंच जाए। सो अगर किसी भी रीजन से आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, छोटा सा, किसी भी रीजन से, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए आगे जाइएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा जल्दी व्लॉग लेकर आऊं। तो यहाँ प्यार देते रहिए, कैसा ना मोटिवेशन नहीं आ रहा है काफी ज्यादा, क्योंकि सब्सक्राइबर कहीं आकर अटक गए हैं, तो आपका सपोर्ट मुझे बहुत कैसे बोलेंगे, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बस इसी के साथ में अब खत्म करते हैं ब्लॉग, बाय।